मैं सपना भाटी आज आपको लेकर आई हूँ कर्फ्यू वाली माँ की शरण में। जो तो राजधानी भोपाल में कई माता मंदिर है, उनमें से एक बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि कर्फ्यू वाली माँ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर पीर गेट के पास स्थित है। सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कर्फ्यू वाली माँ कैसा नाम है, तो आइए जानते हैं इस माँ के मंदिर के बारे में और जानते हैं कि इस मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली मंदिर कैसे पड़ा। पीरगेट पर स्थित ये मंदिर आस्था का भंडार है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये मंदिर पूरा सोने से बना हुआ है। कहा जाता है कि अश्विन नवरात्र में यहाँ झांकी बैठती थी। 1982 में झांकी के सामने माता रानी की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि यहाँ प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। विवाद एक महीने तक चलता रहा और कर्फ्यू भी लगा रहा। विवाद खत्म होने के बाद ये प्रतिमा की स्थापना हुई और मंदिर का निर्माण हुआ। तब से मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली माता पड़ गया। भक्तों की यहाँ लंबी कतार 12 महीने लगी रहती है। इस मंदिर का राज क्या है, मतलब कर्फ्यू वाली माता इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा? तो कर्फ्यू वाली माता की स्थापना सन 1980 में हुई थी और भक्तों द्वारा मूर्ति सामने स्थापित की गई थी। उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से उनकी सरकार थी और प्रशासन ने उसको हटा दिया था। उसके बाद भक्तों में और प्रशासन में काफी झगड़ा रहा और करीब भोपाल में 15-20 दिन कर्फ्यू लगा रहा। उसके बाद प्रशासन ने हार मान कर माँ की स्थापना करवाई यहाँ पर, कि तभी से इसका नाम कर्फ्यू वाली माता हो गया। यहाँ पर भक्तों की इतनी लंबी कतार लगी रहती है और आप दिन भर यहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल, माँ की कृपा है, असीम कृपा है कि यहाँ तो बिल्कुल मेला लगा हुआ है, मेला लगा ही रहता है। 12 महीने ही भीड़ होती है, फिर नवरात्रि महापर्व की तो फिर बात ही अलग है। यहाँ पर माता की स्थापना कैसे की गई थी? भगवती की स्थापना प्रशासन ने हर वाणी, फिर वापस मूर्ति आई और फिर शासन ने ये जगह अलर्ट की। उसके बाद फिर यहाँ पर माँ की स्थापना हुई और तभी से फिर ये मंदिर विस्तार लेता गया। आपको सोना का मंदिर हो रहा है, अंदर भी काफी सोना लगा है, सिंहासन भी सोने का है, कलश भी सोने का है और अभी 41वीं वर्षगांठ है अभी छठ के दिन माता भगवती की, और मंदिर की तो 15 तोले का नौलखा हार भी अर्पित किया जा रहा है माँ को। मतलब माता रानी से तो सबकी आस्था जुड़ी हुई है, घर के पास में मंदिर है, यहाँ पे तो दूर दूर से लोग आते हैं भक्तजन, तो नवरात्रि का त्योहार है और भक्तों का आना जाना तो लगा रहता है और शाम तक यही चलता रहेगा। माता रानी के भीड़ घर में दर्शन होते रहेंगे सबके, जिनकी मतलब जिनको चालू बनी देखते वो दरबार में उनकी शक्लें दिखती है। माता की दर्शन के लोग आते हैं, जिनको साल भर में देखा जाता है नवरात्रि के त्योहार में सब दिखते। इस मंदिर की खास बात ये है कि जब कर्फ्यू लगा था तो उस टाइम पे माता की स्थापना हुई, तो कर्फ्यू वाली माता का मंदिर कहलाता है। यहाँ पर मैं 3-4 महीने हो गए, बहुत अच्छा मंदिर है, मैं यहाँ पर बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ, ये मेरी माँ की सेवा करती हूँ मैं। बहुत अच्छा मंदिर है, ये भोले बाबा पीर बहराज राधा कृष्ण की सबसे जुड़ी हुई हूँ मैं, आती जाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपकी कौन सी मन्नत पूरी हुई है? मेरी तो हर मनोकामना पूरी हुई है, मैं जो मांगती हूँ वो पूरा होता है। तो हमने जाना यहाँ पर कि इस मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली माता मंदिर कैसे पड़ा। यहाँ पर हमने जाना तो अपने जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतें लेकर वो माँ पूरी करती है, और हमने यहाँ पे श्रद्धा भक्ति सब चीजें एक साथ देखी। आप ऐसे ही बने रहिए देखो न्यूज के साथ में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। मैं सपना भाटी अपने सहयोगी अदित के साथ देखो न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।